हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे कच्चा मैंगो बाइट से आइसक्रीम। देखिए कितनी अच्छे से आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, तो चलिए झटपट से बनाते हैं। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 20 से 25 कच्चा मैंगो बाइट, जो टॉफ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो उसी की आज आइसक्रीम बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल और कैंची से कट करके इसके अंदर से सारे टॉफियों को निकाल लेंगे। इन टॉफियों से जब आइसक्रीम बनाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल खट्टा सा मीठा सा इसका फ्लेवर आता है। बच्चों को तो जी बहुत ही पसंद आती है। तो गर्मी में कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो आप इस तरह से टॉफ़ी से आइसक्रीम बनाइए और गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी टॉफियों को निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी टॉफियों को छील लिया है टॉफी, और अब टॉफी को क्रश कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसे मिक्सी में डाल के भी पीस सकते हैं, पर मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक पॉलीथीन। पॉलीथीन में सारे टॉफियों को डाल देंगे। और एक बेलन की मदद से इन्हें पीटते हुए क्रश कर लेंगे। पन्नी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि पन्नी फटे नहीं। और अब अच्छे से बेलन से पीटते हुए इसे क्रश कर लेते हैं। एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा क्रश ही करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे टॉफियों को क्रश कर लिया है। तो अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, टॉफियों को मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक भगोना। भगोने में डाल दूंगी 2 कप पानी। और डालेंगे इसमें 1/4 चीनी। आइसक्रीम थोड़ी मीठी लगेगी तो ही अच्छी लगेगी। तो टॉफी को जब पानी में घोलेंगे तो उसमें थोड़ा मिठास कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 चीनी डाल दे रही हूँ। और मैंने अब इसको गैस पे रख दिया और इसमें अब उबाल आने देते हैं। उबाल आ गई है तो अब इसमें क्रश की हुई टॉफी डाल देंगे। और अब टॉफी को भी मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे, जिससे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। देखिए टॉफ़ी अच्छे से पानी में घुल गई है, मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसके कलर के लिए डाल दूँगी थोड़ा सा फूड कलर। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, जिससे कि आइसक्रीम में बहुत अच्छा कलर आए। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और मैंने यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप फूड कलर की डाल दी। और अब इसे उबलने देते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, तो अब गैस बंद कर देते हैं और अब इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा होएगा तभी आइसक्रीम जमाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो अब चलिए इसकी आइसक्रीम जमाते हैं। तो आइसक्रीम जमाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आइसक्रीम मोल्ड। मोल्ड को अच्छे से भर देंगे। ये देखिए, चम्मच से मैं सारे मोल्ड को अच्छे से भर दूँगी। देखिए सारा मैंने अच्छे से भर दिया है और मेरे पास थोड़ा घोल बच गया था, तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे कांच के गिलास में भी डाल दिए। इसमें भी आइसक्रीम जमा देंगे। ले लीजिए, और अब इसको फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, छोटे छोटे गिलास को भी कवर कर देंगे। तो मैंने फॉइल पेपर को काट लिया था छोटे छोटे पीस में। ले लीजिए, गिलास को भी मैंने कवर कर दिया। और अब इसमें लगाएंगे चॉपस्टिक। तो यहाँ पर मैंने चॉपस्टिक ले लिए और अब चाकू से इनमें कट लगा लेंगे, जिससे कि चॉपस्टिक अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए, इस तरह से चाकू से कट लगा लेंगे। मैंने सब में अच्छे से कट लगा लिया है और अब इसमें एक एक करके चॉपस्टिक रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सब में चॉपस्टिक रख दिया है।
और अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से आइसक्रीम सेट हुई है। ले लीजिए आप, चलिए इन्हें निकालते हैं। तो रूम टेम्परेचर में इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। तब अच्छे से इन्हें घुमाएंगे और निकाल लेंगे, बहुत इजीली ये निकल आता है। ये देखिए कितने अच्छे से आइसक्रीम सेट हुई है, देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब चलिए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, कांच के ग्लास में चेक करते हैं। देखिए कितने अच्छे से कांच में भी सेट हुई है। तो अब चलिए एक प्लेट में इन सबको निकाल लेते हैं। ये लीजिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार हो गई। टॉफ़ी तो आपने कई बार खाई होगी, आप इस तरह से आइसक्रीम बना के खाइए, खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों को तो ये बहुत ही फेवरेट होता है। लीजिए अब ये आइसक्रीम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस गर्मी आप भी जरूर बनाइए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लीजिए। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।